In the last video, we have solved question number 1 to question number 10 of UGC NET Electronic Science Paper 3, December 2012. Now, in this video, we will solve from question number 11 to question number 20. Now, first question is related to digital electronics. Here, three gates are given, AND gate, OR gate, and NOT gate, and output X we need to calculate. So, ये आपका एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर आपको आउटपुट एक्स का एक्सप्रेशन लिखना है. तो अगर आप देखें यहां ध्यान से, तो पहला गेट जो है आपका वो नॉट गेट है, तो सी बार से क्या बन जाएगा, सी. देन ये जो सी है वो बी के साथ क्या हो रहा है, और दैट मींस बी प्लस सी. और ये जो बी प्लस सी है वो ए के साथ क्या हो रहा है, एंड दैट मींस ए डॉट बी प्लस सी. तो अगर आप चेक करें ऑप्शंस में से, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट का नॉलेज होना चाहिए था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो ये भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही क्वेश्चन है, जहां पर आपको गिवन है मॉड 64 काउंटर और पूछा है द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड. तो हमें पता है मॉड 64 काउंटर के लिए हम लोग 0 टू 63 तक स्टोर कर सकते हैं. ठीक है ना, जो हाईएस्ट नंबर हो सकता है आपका वो क्या हो सकता है हमारा, 63. तो जो आंसर यहां पर हो जाएगा दैट विल बी आंसर नंबर डी. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी. जैसे सपोज कर लीजिए अगर आपका मॉड एम है तो 0 टू m-1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रजिस्टर एड्रेस विच मैचेस विद द एड्रेस ऑफ द स्टैक. तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है एड्रेस की, रजिस्टर एड्रेस की, स्टैक की, तो आपको पता होना चाहिए कि 07h जो है वो एड्रेस है जो कि स्टैक के साथ क्या करेगा, आपका मैच करेगा. तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 8259 टू अवॉइड कॉसिंग एन इंटरप्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंटल नॉइस पल्स द फॉलोइंग एक्शन इज डन. तो बिना ऑप्शन देखे आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरप्ट लाइन्स को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए. अगर आप 8259 की बेसिक थ्योरी स्टडी करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा, ऑल अनयूज्ड इंटरप्ट लाइन्स आर कनेक्टेड टू ग्राउंड. तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पोर्ट्स इन 8255 इन विच पार्ट ऑफ द पोर्ट पिन्स कैन बी यूज्ड एज अ इनपुट लाइन एंड पार्ट ऑफ द पोर्ट पिन्स कैन बी यूज्ड एज अ आउटपुट लाइन. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 8255 की बिल्कुल बेसिक थ्योरी है. पोर्ट सी जो आपका होता है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोअर पोर्ट सी एंड अपर पोर्ट सी. तो एक होता है आपका PC0 से PC3 और एक होता है PC4 से PC7. तो पोर्ट सी आपका वो पोर्ट है जिसमें कुछ लाइन इनपुट लाइंस की तरह और कुछ लाइंस आउटपुट लाइंस की तरह यूज की जा सकती है 8255 में. तो जो आपका 15 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सी का क्वेश्चन है, विच लूप स्ट्रक्चर वुड एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस इवन इफ द टेस्ट कंडीशन फेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इट्सेल्फ. तो हम जानते हैं फॉर में तो आप पहले कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, वाइल में भी यही होता है, इफ एल्स में भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी एग्जीक्यूशन होगा. बट डू वाइल में पहले आप डू करते हो फिर कंडीशन चेक करते हो, तो एग्जीक्यूशन एक बार आपका जरूर हो जाता है. तो जो 16 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा. नाउ अगर हम लोग यहां पर 17 नंबर को देखें तो क्या बोला है, द एक्सप्रेशन एवेल्युएट्स टू फॉल्स इन इंट आई इज इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 7, डबल एफ इज इक्वल टू 5.5, जी इज इक्वल टू 4.5, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू टी. तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर चूज करना है. तो अगर हम सारे ऑप्शन को एनालिसिस करें
तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है f greater than equal to 6 or, ये साइन आपका or का होता है, i dot j less than 15, ये आपका ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर 17th क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, वर्ड नेहा, ये भी आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. वर्ड नेहा इज टू बी एंटर्ड इन एन एरे, व्हिच एरे डिक्लेरेशन इज प्रॉपर. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर नेहा है तो आपके टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 4 हैं, एन ई एच ए, बट एक आपका नल कैरेक्टर भी आता है, तो आपका कैरेक्टर 5 वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट होगा, बिकॉज देयर विल बी वन नल कैरेक्टर. सो 4 कैरेक्टर एन ई एच ए एंड 1 इज नल कैरेक्टर. ये जो आपका स्लैश 0 या स्लैश ओ आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नल कैरेक्टर. क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा. नाउ 19th क्वेश्चन को देखिए, ये आपका ईएमएफटी का क्वेश्चन है. अ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग 50 ओम इंपेडेंस इज ट्रांसमिटेड टू अ लोड ऑफ 40 प्लस जे 30 ओम, द वीएसडब्ल्यूआर इज. तो आप देखिए यहां पर जेड 0 आपको दिया है 50 ओम, और जो आपको लोड इंपेडेंस जेडएल दिया है 40 प्लस जे 30 ओम. तो अगर आप यहां पर देखेंगे, आपको वीएसडब्ल्यूआर कैलकुलेट करना है. तो जैसा मैं आपको पिछली 5-6 वीडियो से बोल रहा हूं कि आप गेट के 1 मार्क के बेसिक क्वेश्चन लगाते रहिए, गेट की बेसिक बेसिक थ्योरी स्टडी करते रहिए. अगर आप गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन लगाते तो बिल्कुल ये वही है आपका, गेट का 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत स्पीड से और आसानी से हो जाएगा. तो आप देखिए वीएसडब्ल्यूआर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है 1 प्लस मॉड ऑफ टाऊ, 1 माइनस मॉड ऑफ टाऊ. ये टाऊ क्या होता है हमारा, टाऊ हमारा होता है रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट, और टाऊ का फॉर्मूला क्या होता है, जेडएल माइनस जेड जीरो अपॉन जेडएल प्लस जेड जीरो. तो यहां पर जो आपका टाऊ है वो कितना हो जाएगा, देखिए आप, जेडएल कितना है 40 प्लस जे 30 माइनस 50 जेड जीरो डिवाइडेड बाय 40 प्लस जे 30 प्लस 50. तो ये जो टाउ हो जाएगा आपका, हम यहां पर लिख देते हैं, टाउ हो जाएगा आपका माइनस 10 प्लस जे 30 डिवाइडेड बाय 90 प्लस जे 30. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस जे 3, 10 कट जाएगा ऊपर नीचे से, 9 प्लस जे 3. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉड ऑफ टाउ निकालना है. तो यहां पर अगर हम लोग मॉड ऑफ टाउ का कैलकुलेशन कर लें, तो ये मॉड क्या होता है, a प्लस जे बी का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो आप सेपरेटली ऊपर नीचे मॉड ले लीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 10, ठीक है ना. मैं यहाँ पर साइड में आपके लिए लिख रहा हूँ. तो ये जो मॉड ऑफ टाउ है आपका, वो क्या होगा, अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, तो 90 हो जाएगा अंडर रूट 90. तो जो टाउ है आपका वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 बाय 90, दैट मींस कितना हो जाएगा हम लोग का, ये अंडर रूट 1 बाय 9, दैट मींस 1 बाय 3, ये आपका आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ टाउ का. तो अब अगर आप VSWR कैलकुलेट करेंगे, तो 1 प्लस 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3, ठीक है ना. तो आप इसे चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 1 बाय 3 कितना हो जाएगा आपका 4 बाय 3, एंड 1 माइनस 1 बाय 3 2 बाय 3, तो 4 बाय 3 2 बाय 3, आंसर कितना हो गया आपका 2. तो VSWR आ गया आपका 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया. तो देख सकते हैं यहां पर एक प्रॉपर आपको कैलकुलेशन करना पड़ा. तो इसीलिए गेट के क्वेश्चन लगाइए, आपके लिए बेटर होगा एग्जामिनेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट आप देखिए 20th क्वेश्चन, ये आपका ईएमएफटी का क्वेश्चन है फिर से. एन एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज डायमेंशन 6 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर TE10 मोड. तो जो TE10 मोड होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, सी अपॉन 2A, ठीक है ना. ये होती है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, ये हमारी होती है 2A.
ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मुलेज हैं टी 10 मोड के लिए। तो अगर आप एफ सी की बात करें यहाँ पर, सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपका जो ए है, ए मीन्स होता है जो आपका हाईएस्ट बोल सकते हैं, 6 और 4 में जो हाईएस्ट है 6 है वो, ठीक है ना। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जो डायमेंशन ज़्यादा होता है, वो होता है आपका ए। तो 2 × देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, या आप 3 × 10⁸ जो मीटर प्लस सेकेंड है उसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको इंटू क्या करना पड़ेगा, 100। तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो नीचे वाले को मैं फिर सेंटीमीटर में ही रहने देता हूँ। तो जो एफ सी है आपका कितना हो जाएगा, आप देखिए 3 और यहाँ क्या बचेगा 2, और 10⁻ हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 4। तो अगर मैं इसे लिखूं, सपोज करिए 10 ÷ 4 × 10⁹, तो ये हो जाएगा 2.5 GHz, ठीक है ना। तो देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्टली मैच कर रहा है, 2.5 GHz। तो ये हमारे क्वेश्चंस आज के सॉल्व होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। देखिए मेनली जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो एग्जैक्टली गेट के 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें आप फॉलो करिए, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक सवाल है थ्योरी का, वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी बुक से, ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारी वीडियो फॉलो करिए, हमारी वीडियो आप फॉलो करेंगे जो यूजीसी नेट और गेट को कंबाइन करके बनाई गई हैं, जिसमें पूरे के पूरे कंसेप्ट एक एक सब्जेक्ट को आपको दिए गए हैं, तो उससे आपको थ्योरी सॉल्व करने में या थ्योरी को बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। हाँ, जो बिल्कुल आपकी मेमोरी बेस्ड थ्योरी है वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही, अदरवाइज जो लॉजिकल थ्योरी है वो आप वीडियो देखकर, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप वीडियो देख के बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी एंड कर रहे हैं, थैंक यू।